ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंकलिंग स्टाइल एंड फैशन। होप यू ऑल आर डूइंग। टुडे आई एम व्लॉगिंग दिस डे एंड दिस इज वेरी स्पेशल फॉर मी। आज है 31st of December एंड अभी बज रहा है 3:10। तो अभी मैं कहीं पे जा रही हूँ, अपने लिए कुछ लेने जा रही हूँ और जो भी मैं आज ले रही हूँ वो मैं खुद के कमाई से ले रही हूँ और मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी इस दिन के लिए। मैं पहले वो ले लूँगी, फिर मैं आपको आके पूरा स्टोरी बताऊँगी कि क्या क्या सब हुआ है। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। अभी मैं नहीं बताऊँगी मैं क्या ले रही हूँ, सो आप लोग वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। साइड में एक छोटू सा बेल आइकन है, उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं जब जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके एंड आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, तो अभी मैं आके पहुंच गई हूँ कैनन इमेज स्क्वायर जो कि है भवानी मॉल भुवनेश्वर में। और ये कैनन का खुद का एक स्टोर है। बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये स्टोर मिला और फाइनली मैं आज अपना खुद का कैमरा ले रही हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। एंड सबसे बड़ी बात है मैं खुद के अर्निंग से ये कैमरा खरीद रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा अनबॉक्सिंग हो रहा है। सो बहुत मतलब रिसर्च करने के बाद फाइनली आई चूज़ कि मैं यही कैमरा खरीदूँगी। एक्चुअली ये जो कैमरा है ये कैनन EOS 200D मार्क टू है जो कि डुअल लेंस वाला है। मैं बहुत सारे वेबसाइट्स में और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी एंड मैं फाइनली डिसाइड की कि मैं यही कैमरा खरीदूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि कैनन का G7X मार्क टू खरीदूँ, फिर मेरे को लगा कि नहीं, उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट अभी स्टार्टिंग कैमरा के लिए मेरे लिए यही सही रहेगा। फिर जब थोड़ा और मैं कमा लूँगी अपने यूट्यूब चैनल से, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं वो वाला कैमरा भी ले लूँगी। और ये है मेरा कैमरा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये कैमरा एंड इसमें जो मतलब फ़ोटो उठता है ना, गजब का फ़ोटो मैं आपको। तो अभी यहाँ पे हम रास्ते पे रुके हैं मिठाई खाने के लिए और घर को भी लेने के लिए। ये हमारे रिचुअल से कुछ भी नया चीज़ आए तो मिठाई बांटते हैं और सो ये बहुत ही टेस्टी था मिठाई। हे गाइस, सो एज़ यू ऑल नो कि मैं वो ब्लॉग को वहीं पे एंड कर दी थी और शायद आज 12 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं न्यू ईयर के लिए थोड़ा बिजी रह गई थी और ये वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मैं वीडियो बनाई ही नहीं हूँ। सो जैसे कि आप सब लोग देखे कि आई हैव बॉट माई न्यू कैमरा। इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। किसी को लग रहा होगा कि बहुत ईजी है या फिर किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि मम्मी पापा की इकलौती बेटी है तो वो लोग दिला दिए होंगे, वैसे कुछ भी नहीं है। आई हैव बाय दिस कैमरा बाय माई ओन, मैं खुद खरीदी हूँ ये कैमरा। मुझे मेरे पेरेंट्स ने कुछ हेल्प नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं करते, बट मैं चाह रही थी कि मैं खुद के इनकम से कुछ करूँ, उनके ऊपर बर्डन ना आए ये चीज़। स्पेशली मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो कैमरा मैं ली हूँ वेली बिकॉज ऑफ यूट्यूब, मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए ही कैमरा ली हूँ। और ऐसे मुझे फ़ोटो खींचने का तो बहुत शौक था बट ऐसे नहीं कि प्रोफेशनली कुछ कैमरा खरीदूँ एंड ऑल, वैसे मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं थी कैमरा पे। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए डिसीजन ली कैमरा लेने के लिए। कैमरा लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की हूँ मैं कि कौन सा कैमरा परफेक्ट रहेगा मेरे लिए एज पर माई रिक्वायरमेंट, यूट्यूब के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, किस में मैं मतलब सही दिखूँगी, सब चीज़ में मतलब देख दाख के। ऐसे नहीं कि मैं आज एक कैमरा ले ली वीडियो बनाने के लिए और फिर व्लॉगिंग के लिए मैं दूसरा कैमरा ले लूँगी, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो फिर बहुत सोच के मैं ये कैमरा खरीदी हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग, मतलब इस ब्रांड का बेस्ट सेलिंग कैमरा है ये वाला। और मैं पूरा स्टोरी आपको बताऊँगी, हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है पर ये बनता है कि आप लोग को के साथ ही मैं शेयर करूँ। सो
एज यू ऑल नो कि मेरा अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है यूट्यूब का, सो ये मैं यूट्यूब की अर्निंग से नहीं खरीदी हूँ। तो ये मैं अपने जो मेरा यूट्यूब के अलावा जो मैं करती हूँ, आई एम अ डांस टीचर, सो मेरा डांस एकेडमी है तो वहाँ से मैं अर्न करती हूँ। और मेरा खुद का सेटअप मैं ऑफिस का बना रही हूँ, तो उसमें से भी मुझे जो भी अर्न होते हैं, सो ये सब मिला के आई सेव्ड समथिंग। और ऐसे करके मैं जैसे तैसे करके मैनेज कर ली कैमरा खरीदने के लिए। बहुत जन ऐसे बोल रहे थे कि आई शुड बाय अ न्यू फोन, इस रेंज में अच्छा खासा आईफोन हो जाता, नहीं तो अच्छा खासा वन प्लस हो जाता, कुछ भी अच्छा फोन हो जाता। बट आई प्रिफर टू बाय कैमरा, बिकॉज मुझे लगा कि कैमरा से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता इस टाइम के लिए, जिस पर्पज़ के लिए मैं खरीद रही हूँ। आई एम नॉट बाइंग, मैं अपना हार्ड अर्न मनी इसलिए नहीं खर्च रही हूँ कि मुझे किसी को दिखावा करना है या किसी के पास शो ऑफ करना है। आई एम बाइंग दिस फॉर माई सेल्फ, और बहुत मेहनत लगे हैं मुझे ये बाय करने के लिए। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ बट ये सच है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे हैं मुझे ये बाय करने के लिए। और जो भी है मैं खुद की हूँ एंड आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर इट, एंड आई नो कि मैं की हूँ तो मैं उसका सही यूटिलाइजेशन भी करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा कैमरा ली हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड, आज मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं की हूँ, वैसे ही आ गई हूँ। चलिए, सो टन टड़ा, मैं फ्रंट कैमरा से ये लास्ट वीडियो बना रही हूँ। ऐसे नहीं कि लास्ट वीडियो कभी, मैं ऐसे भी हो सकता है कि मैं अपने फोन से भी वीडियो कभी कभार बना लूँ, ऐसे नहीं। कैमरा आ गया तो मैं हमेशा कैमरा से बनाऊंगी व्लॉग। व्लॉग मुझे कहीं पे भी अच्छा लगा तो मैं फोन पे ही बना लूंगी, मेरा फोन भी खराब नहीं है। बिकॉज आई हैव अर्न 626 सब्सक्राइबर फ्रॉम दिस फोन ओनली, आई जस्ट लव माई फोन। मेरा फोन का क्लैरिटी भी बहुत अच्छा आता है, सो ऐसे नहीं कि मैं अपने फोन को खराब बोलूंगी। बट ये है मेरा कैमरा के, सो दिस वन इज कैनन EOS 200D Mark II, और ये कैनन का Mark II वाला है, 200D Mark II कैमरा है। और इसका दो वेरिएंट आता है, एक सिंगल लेंस वाला आता है और एक डबल लेंस वाला आता है। सो गेस व्हाट, मैं कौन सा वाला ली हूँ। सो मैं ऐसे होता कि मैं सिंगल लेंस वाला ले लेती, बट आई थॉट कि ले रही हूँ तो अच्छा वाला ही लेना चाहिए, सो आई परचेस द डबल लेंस वन। सो मैं डबल लेंस वाला ली हूँ कैमरा, और मैं आपको कैमरा खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा। लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटिफुल, कितना सुंदर है ना, आई जस्ट लव दिस। मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, और ये इतना स्वीट है, इतना अच्छा है। आई होप कि इसके हेल्प से मैं अपने कैरियर में कुछ अच्छा कर सकूँ। आई जस्ट लव माई कैमरा, किसी को क्या लगता होगा आई डोंट नो, मैं ना ही शो ऑफ कर रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, आगे चल के क्या होगा आई डोंट नो, बट आई जस्ट लव दिस। हाँ, सो ये है कैमरा मेरा जो कि है कैनन का। इसका ये ऊपर वाला ढक्कन खोलने से आपको यहाँ पे लेंस लगाना पड़ेगा, तो मेरा डुअल लेंस है। और इसका जो स्क्रीन है वो भी फ्लिप वाला है, अभी जैसे आप देख सकते हैं ऐसे फ्लिप करने से मैं व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ इससे। और इसका जो फ्लैश है वो यहाँ से ऊपर से है, और इसका यूज़ अभी इतना अप्रोप्रिएटली मेरे को, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। ओके, सो इसका दो लेंस है, ये है बड़ा वाला लेंस एंड दिस वन इज द किट लेंस। ओके, सो जो किट लेंस है वो 18-55 mm का किट लेंस है, एंड जो इसका बड़ा वाला लेंस है वो 55mm-250mm का है। दिस वन इज ऑसम, इतना सुंदर फोटो आता है ना इसमें, और क्या बोलूँ। और ये वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसको इवन व्लॉगिंग के लिए भी ये अप्रोप्रिएट है। इसको पकड़ के थोड़ा व्लॉगिंग करना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा ही वेट हो जाता है। सो इसके साथ साथ मैं ये वाला भी खरीद ली, ये जो ट्राइपॉड होता है कहीं पर रख के वीडियो करने के लिए, नहीं तो व्लॉगिंग करने के लिए, मैं ये भी खरीद ली। ये अराउंड
14 या 1500 मेरे को पड़ा, मुझे थोड़ा स्टेडी लगा क्योंकि इसके ऊपर मेरा जान रहेगा तो गिर ना जाए, इसलिए मैं ये ले ली। सो ऑलमोस्ट ये सब मिला के और कुछ उसके इनके जीएसटी वगैरह एक्स्ट्रा चार्जेस भी थे, वो सब मिला के 67, पता नहीं कितना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कैमरा का जो तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो मुझे उसी के रेंज में कुछ आए और आई एम सो मच हैप्पी फॉर माई कैमरा। और बस इतना ही, मैं यहीं पे वीडियो एंड करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मैं जज्बात में बह के कुछ भी बोल दी सो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग इन माई कैमरा में। वैसे मेरे कैमरा का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में आ चुका है, वो जो मेकअप मैं अपने फ्रेंड सॉरी मैं अपने बहन पे की थी वो कैमरे से शूट की थी, बट उसका थोड़ा सेटअप अच्छा नहीं था, वहां पे लाइटनिंग वाइटनिंग इतना अच्छा नहीं था। मैं घर पे अपना पूरा एक सेटअप बनाने जा रही हूँ, एक एक करके मैं सारा सामान खरीदूंगी। एंड टिल देन लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू ऑल।